शादी का जोड़ा चोर चुड़ैल। मानसी की माँ सविता उसका दुल्हन का जोड़ा और गहने लिए आती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटा जल्दी तैयार हो जा, बारात चौखट से निकल चुकी है और मैं अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखना चाहती हूँ, समझी मेरी लाडो। हाँ माँ, बस थोड़ा टाइम दीजिए, देखना आप मैं दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लगूंगी, फिर आप नजर उतारना। हाँ ठीक है, पहले तैयार हो जा। ऐसा कहकर सविता चली जाती है, पर मानसी को कोई नकारात्मक ऊर्जा छुप छुप कर देख रही थी। उसकी नजर इस दुल्हन के जोड़े पर थी। मानसी जैसे ही तैयार होने जाती है तो वो चुड़ैल उसकी शादी का जोड़ा चुरा कर चली जाती है। मानसी को अपना जोड़ा कहीं नहीं दिखता है, तभी वो कहती है, अरे मेरी शादी का जोड़ा कहाँ गया, अभी तो यहीं रखा था, यहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया। तभी मानसी अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ मेरी शादी का जोड़ा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे कैसे नहीं मिल रहा, अभी तो मैं तुझे देकर आई हूँ, तू समझती नहीं है बिल्कुल भी, बच्ची है क्या, 2 दिन की शादी होने वाली है और ऐसी हरकतें। माँ मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने वही देखा था फिर गायब हो गया। अरे अब तेरी शादी बिना जोड़े और गहनों के कैसे होगी, माँ मेरी शादी कैसे होगी। जहाँ एक तरफ मानसी और उसकी माँ दुल्हन के जोड़े के लिए परेशान हो गए थे, वहीं दूसरी ओर वो जोड़ा पहनकर एक चुड़ैल तैयार हो रही थी और शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, बिल्कुल होर की परी लग रही हूँ मैं, अरे अभी तो एक और हार रखा है और अंगूठी भी, इसे भी तो पहन लेती हूँ। ये कहकर चुड़ैल अपनी नजर उतारती है और बाकी के गहने भी पहन लेती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद फिर किसी की शादी होती है, तो दृष्टि नाम की लड़की जब दुल्हन का जोड़ा पहनने ही जा रही थी, तभी उसका भी दुल्हन का जोड़ा और गहने चोरी हो जाते हैं और वो भी अपने माता पिता से कहती है, माँ पापा मेरे दुल्हन का जोड़ा गायब हो गया, वो मिल नहीं रहा, अभी तो मेरी नजरों के सामने था लेकिन अब है ही नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम, तेरी शादी होने वाली है, समझती नहीं कितना बड़ा अपशगुन है। अरे ये सब छोड़, लड़के वालों ने कितनी मेहनत से इतने पैसे लगाकर तेरा मन पसंद लाखों रुपए के गहना और जोड़ा भिजवाया था, अब तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। अब आखिरी समय पर दुल्हन का जोड़ा कहां से लेकर आऊं मैं, बारात कुछ देर में पहुंच जाएगी और ये लड़की तैयार नहीं हुई अभी तक। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। अब क्या होगा। कुछ देर बाद जोड़ा न मिलने पर दृष्टि की शादी टूट जाती है और उसके घर वालों को आसपास के लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। चुड़ैल फिर दृष्टि का लहंगा भी पहन लेती है और कहती है, अरे वाह वाह वाह, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा महंगा लहंगा लगता है, ऐसे तो मैंने कभी नहीं पहना, और आज तो मैं झूम कर नाचूंगी गाऊंगी, सज्जना तेरे लिए सज्जना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है, वाओ जोड़ा चुरा कर पहनने में कितना मजा आता है। ये कहकर चुड़ैल खूब उस लहंगा में घूमती है और ऐसे ही धीरे धीरे गांव में बाकी लड़कियों के भी दुल्हन के जोड़े चोरी होने लग गए। कुछ लोगों ने चुड़ैल की परछाई को चोरी करते हुए देख लिया, पर वो कौन थी और ऐसा क्यों कर रही थी, ये जानने के लिए आपको कहानी में आगे बढ़ना होगा। सभी लोग परेशान थे, जोड़ा गायब होने से उनकी बेटियों की शादी भी टूट रही थी। वहीं संजना अपने बॉयफ्रेंड कबीर से जल्द शादी करना चाहती है और ये सब पता होने के बावजूद भी शादी की तैयारी करती है। तभी संजना की माँ कविता उसे शादी का जोड़ा देते हुए कहती है, बेटा सब पता होने के बावजूद भी तू शादी कर रही है, इस शादी के जोड़े का ख्याल रखियो तू। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैंने पक्का इंतजाम कर दिया है उस चुड़ैल का, वह मेरा शादी का जोड़ा ले जा ही नहीं पाएगी। अब पर ऐसा क्या है बेटा, देखते जाइए माँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा। ये कहकर कविता चली जाती है। वहीं चुड़ैल फिर से दुल्हन का जोड़ा पहनने के लिए संजना के कमरे में आ जाती है और जैसे ही उसके दुल्हन के जोड़े को छूती है तभी उसे करंट का झटका लगता है और वो अभिमंत्रित शक्तियों की बेड़ियों में बंध जाती है और गुर्राते हुए कहती है, आ, आ, अरे ये क्या किया मेरे साथ, चल खोलो मुझे खोलो, हे लड़की तूने ही किया है ना ये सब, खोल मुझे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सुकून आया ना,
तुझे ऐसे देखकर बहुत शौक है ना दुल्हन का जोड़ा चुराने का, लेकिन तू मेरा जोड़ा चुरा ही नहीं पाई, लगा ना जोर का झटका धीरे से। अब बता तूने इतनी सारी दुल्हनों के जोड़े क्यों चुराए, क्या मिला तुझे उनकी शादी बर्बाद करके? बताती है या इससे भी बुरा करूं, तांत्रिक बाबा आसपास ही है मेरे। बताती हूँ, मुझे कुछ मत करना। कुछ समय पहले की बात है, तुम्हारी तरह मेरी भी लव मैरिज होने वाली थी। राजीव और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने अपने घर में एक दूसरे की रिश्ते की बात भी कर ली। फिर सब हमारी शादी करने के लिए तैयार हो गए और उसकी शॉपिंग करने के लिए हम मॉल से वापस लौट रहे थे कि कुछ वक्त बिताने के बाद हम सनसेट पॉइंट की तरफ गए जहाँ एक खाई भी मौजूद थी। उस दिन राजीव और मैं बहुत खुश थी। राजीव, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी होने वाली है। कितना इंतजार किया है हमने इस दिन का। मैं भी साक्षी बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ। फाइनली हमारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा दुल्हन का जोड़ा पहनने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। जान खाली थी तुमने मेरी इस बात के लिए कि जल्दी से शादी करो। खुशी में ये कहते कहते राजीव का पैर खाई की ओर चला जाता है और वो लटक जाता है। उसे देखकर साक्षी रोने लगती है और बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। राजीव, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ। कोशिश कर रहा हूँ साक्षी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। ये पेड़ की डाल हिलती जा रही है, शायद मैं नहीं बचूंगा। चली जाओ, कहीं मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बात मानो साक्षी, मेरे बिना ही तुम अपने दुल्हन के जोड़े को पहनकर अपना ख्वाब पूरा करो, ये मेरी इच्छा है। पीछे हट जाओ। राजीव, ऊपर आओ राजीव। साक्षी उसे बचाने की कोशिश करती है कि राजीव का हाथ फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है। उसे बचाने के चक्कर में साक्षी भी खाई में कूद जाती है और दोनों मर जाते हैं। पर अधूरी इच्छा होने के कारण साक्षी चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और कहती है, लगता है राजीव की इच्छा के कारण मैं चुड़ैल बन गई हूँ, इसलिए उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए अब मैं दुल्हनों के जोड़े को चुरा कर पहनूंगी। बस इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि मेरे प्यार की इच्छा पूरी हो, इसलिए मैंने दुल्हन के लहंगे को चुराया। पर मैंने किसी को भी मारा नहीं, न नुकसान पहुंचाया। मुझे खेद है कि तुम शादी नहीं कर पाई, पर दूसरों की शादी ना करने देना ये कहाँ का नियम है? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम्हारी तरह और भी लड़कियों की भी शादी ऐसी ही रह जाए? तुम क्यों ऐसे भटक रही हो? एक बार कोशिश करो कि राजीव की आत्मा तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देख ले, जिससे तुम भी ना भटको और मुक्त हो जाओ। तुम सही कहती हो, पर मेरे पास जोड़ा नहीं है। मेरा ले लो। तभी संजना उसे अपना जोड़ा देकर दुल्हन की तरह सजा देती है और चुड़ैल राजीव की आत्मा को बुलाती है, जिसके बाद वो आ जाता है और उसे गले लगाकर कहता है, तुम्हें ऐसे देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खूबसूरत लग रही हो इस लहंगे में। काश मैं उस खाई की तरफ नहीं जाता तो आज हम दोनों साथ होते, पर मैं आज तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ राजीव, मुझे ले चलो यहाँ से। इस तरह राजीव चुड़ैल को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और संजना भी अपने दूसरे शादी के जोड़े में कबीर से शादी कर लेती है। साथ ही गांव के सभी लोग भी बेखौफ होकर अपनी बेटियों की शादी करने लग गए। चुड़ैल की शादी में जरूर आना। धरती के नीचे बसे पाताल लोक में एक बड़ी ही भयानक सूरत वाली चुड़ैल रहा करती थी, जिसकी लाल स्याह खूनी आंखें, चितकबरा चेहरा, दानवों से लंबे पंजे थे। वहां चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। चुड़ैल एक इमली के पेड़ पर बैठी हुई कहती है, बस बहुत हुआ, अब मुझे ये सड़ी गली जिंदगी और इस काली दुनिया से बाहर निकलना है। चुड़ैल धरती को चीरते हुए ताबड़तोड़ तबाही मचाकर प्रकट होती है। तभी उसके कान में एक शहनाई की गूंज सुनाई पड़ती है। अरे, ये मधुर संगीत सुनकर तो मेरा तन मन डोलने पर उतारू हो रहा है। चुड़ैल शहनाई की धुन का पीछा करते हुए हवा में लहराती हुई आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर शादी के समारोह पर पड़ने के साथ चुड़ैल दूर खड़ी होकर कहती है, ये तड़क भड़क दिलरुबा चुड़ैल को बड़ा पसंद आया। उतावली चुड़ैल सुंदर सी औरत का भीष धर कर शादी में पहुंचती है, जहां डीजे की धुन पर पप्पू नाम का एक शख्स नागिन डांस कर रहा था। अरे लगाए वे तू लिपस्टिक, आहा आहा आहा, जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू। चुड़ैल उसको एक टक निहारते हुए पूछती है, अरे सुनो, क्या तुम मुझे बताओगे
यहाँ कैसा जश्न चल रहा है? अरे आज यहाँ पर हमने लंगोटिया यार चनिया की शादी हो रही है। वैसे हम अब तक कुंवारे हैं सुंदरी, तुम चाहो तो लगे हाथ हम दोनों का भी फेरा पड़वा दे। ये सुन चुड़ैल गुस्से से बौखला कर उसे जोरदार कंटाप लगा कर कहती है, ब्याह का बुखार उतरा कि नहीं? बचपन की उम्र में बचपन के ख्वाब नहीं देखा करते, ठरकी बुड़ो कहीं का। अरे एकदम तेज मिर्ची है ससुरी, एक तमाचे में ही सारा नजर आवत है। चुड़ैल चारों ओर ताकते हुए गायब होकर मंडप के खंभे से चिपक कर दूल्हा दुल्हन की शादी की रस्म देखती है और उनके सामने प्रकट होकर कहती है, चुड़ैल को भी शादी करनी है, क्या तुम मेरा दुल्हा बनोगे? हे राम जी, ये चुड़ैल शादी में कैसे आ गई? चुड़ैल, अरे कोई बचाओ हमको। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हे पप्पू पपट, चल जल्दी से डीजे बजा, आज ये चुड़ैल दिल खोल कर नाचेगी। चुड़ैल को देख शादी में आए हर लोगों के चेहरे पर खौफ साफ साफ झलक रहा था। सभी सिर से पांव तक डर के मारे पसीने से सराबोर हो चुके थे। फिर चुड़ैल रूपा को छूते ही अपनी काली शक्तियों से दुल्हन के लिबास में बदल कर नाचती हुई कहती है, सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है, पाई है। तू संग मेरे है जीना मरना, कसम यही खाई है, खाई है। चलो दिलबर, जल्दी से शादी करते हैं। अरे ये मुमकिन नहीं, अरे एक इंसान और चुड़ैल के बीच शादी कैसे हो सकती है? दूर हटो। तुमने दिलरुबा का दिल तोड़ा है, अब ये शादी तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। चुड़ैल अपने लंबे नाखून से चनिया का गला रेत कर उसके खून से होली खेलती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, सभी बाराती जान बचाकर भाग जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ये लुक्का छुपी का खेल नहीं चलेगा, तुम्हें इस चुड़ैल की शादी में जरूर आना होगा। शादी की लालसा लिए चुड़ैल पूरी रात भुतहा नाच नाचती है। तकरीबन दो दिन बीतने के बाद देर रात चुड़ैल सभी का दरवाजा खटखटाकर कहती है, कहाँ मर गए सारे के सारे? मैं कहती हूँ जल्दी बाहर निकलो, वरना मैं इस हंसते खेलते गांव में मौत की नदियाँ बहा दूंगी। सभी जन चुड़ैल का डर मानकर किवाड़ खोलकर बाहर आते हैं। तभी चुड़ैल उनके हाथ में पीपल के पत्ते पर खून से लिखा कार्ड देकर कहती है, चुड़ैल की शादी में जरूर आना, तुम सभी को दिलरुबा चुड़ैल की शादी का आमंत्रण है। पर आखिर तुम्हारा दूल्हा कौन है? मेरा दूल्हा ढूंढने की जिम्मेदारी तुम सबकी है। कल अमावस की रात है, दिलरुबा उस अंधेरी रात में इंसान से शादी करना चाहती है। ये बोलकर चुड़ैल बवंडर मचाकर गायब हो जाती है और गांव वाले कहते हैं, अरे मुखिया जी, आखिर एक ही रात में हम इस चुड़ैल के लिए दूल्हा कहाँ से लाएंगे? भला कौन सा साधारण इंसान इस खूंखार चुड़ैल से शादी करने को राजी होगा? इस मसले का कोई तो हल खोजना ही होगा, वरना ये आतंकी चुड़ैल हमारे गांव को कब्रिस्तान में बदल देगी। शादी के मंडप में ही ये चुड़ैल मेरे पति को खा गई। ई बखत, बीती बात को याद करके आंसू बहाए के नहीं है, हमको अभी बाबा के पास चले के होई। सभी हाथों में मशाल लिए रात के अंधियारे में गांव से कोसों दूर गुफा में रहने वाले बाबा के पास आते हैं। प्रणाम बाबा। कहो क्या समस्या लेकर आए हो? बाबा, हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। और वो चुड़ैल एक आम पुरुष से विवाह करने की लालसा जता रही है। बाबा आप तो अंतर्यामी हैं। हमारे पास सिर्फ आज रात का ही समय है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। ये एक रक्त पिशाचनी चुड़ैल है, तुम्हें सिर्फ उसको कुछ देरी तक भटकाना है। कल अमावस की रात है, उस रात शैतानी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती है। कल उसकी शादी अवश्य होगी, पर इंसान से नहीं, एक शैतान से। सवेरे पूरा गांव चुड़ैल की शादी का मंडप सजाता है। चुड़ैल ये देखकर खुशी से कहती है, ये गांव वाले इतने प्यार से मेरी शादी का मंडप सजा रहे हैं। अंधेरा छाते ही चुड़ैल दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप में आकर कहती है, कहाँ है मेरा दुल्हा, जल्दी बताओ, दिलरुबा से और इंतजार नहीं होगा। सरपंच जी, कुछ कीजिए, अगर चुड़ैल को एका दूल्हा नहीं मिला तो ई हम सबन के चूल्हा में झोंक दिए।
गांव वालों को चुड़ैल से बचाने के लिए सूरज आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारा धूला मैं हूँ चुड़ैल। हाय, दिलरुबा तुम्हारी सदा पर फिदा हो गई। चलो जल्दी से शादी करते हैं। इतनी भी जल्दी क्या है? तुमने दिलरुबा और दिलवर के बीच दखलंदाजी कैसे की? बाबा के आने तक मुझे इस चुड़ैल को शादी करने से रोकना होगा। दिलवर, अपनी दुल्हन की तारीफ नहीं करोगे? इस जोड़े में बहुत जच रही हो तुम। साजन जी घर आए, चुड़ैल क्यों शर्माए? अब मुझे और सब्र नहीं करना, चलो शादी करते हैं। अरे बिना पंडित के ब्याह कैसे संभव है, थोड़ा इंतजार और करते हैं। चुड़ैल को विवाह मंत्रों की जरूरत नहीं, सूरज से शादी करते ही मैं इसे लेकर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। चुड़ैल सूरज का हाथ पकड़े मंडप की तरफ बढ़ती है, तभी जोरदार आंधी तूफान उठने के साथ एक विशाल दानव प्रकट होकर कहता है, आ गया झुम्भा। यही तुम्हारी दुल्हन है? धोखा, तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर अपनी चूड़ियों से गोल गोल घूमते हुए राख चक्र बनाकर उन्हें घेर लेती है। अब इस चुड़ैल का बनाया राख चक्र तुम सबको खाक में मिला देगा। अरे मुखिया जी, ये चुड़ैल से पंगा लेकर हम अपनी मौत को बुलावा दिए हैं। बाबा कसम करो। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। बाबा हवन कुंड में आहुति देकर चुड़ैल को चक्र में बांध कर कहता है, आगे बढ़ो झुम्भा और इस चुड़ैल से विवाह करो। चलो सुंदरी, आज तुम्हारा इस राक्षस से विवाह है। तू हट, वरना दिलरुबा तेरा कीमा बना देगी। मुझे सिर्फ पुरुष से विवाह करना है। अरे ये तुच्छ से दिखने वाले कीड़े मकोड़े पुरुष तुम्हें कोई खुशी नहीं देंगे। देखो मैं कितना शक्तिशाली और बलवान हूँ, मुझ राक्षस से विवाह करके तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर अंधेरी दुनिया में धुर्राटे काटेंगे। वैसे तुम्हारे बाजुओं में दम तो है, दिलरुबा अब तुमसे ही शादी करेगी। बाबा विवाह मंत्र पढ़कर चुड़ैल की शादी की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। आज मेरा सपना साकार हो गया, लेकिन दिलरुबा तुमसे फिर मिलने जरूर आएगी। अलविदा। चुड़ैल के ओझल होते ही गांव का माहौल एकदम शांत हो जाता है और गांव वाले गहरी सांस भरकर कहते हैं, शुक्र है ईश्वर का बला टली, हम सभी सुरक्षित हैं। ये सिर्फ आपके कारण ही संभव हो सका है। आपके रहते उस चुड़ैल के विवाह का सपना भी साकार हो गया और हम सबकी जान भी बच गई। इस तरह एक बार फिर मखना गाँव वासी हंसी खुशी रहने लगते हैं। डोली चुराने वाली सास बहू चुड़ैल। अरे ओ हरिया और धीनू, जरा देखो तो, दुल्हन को डोली में बिठाकर ये कहार कहाँ लापता है, विदाई की बेला हो चली है। सभी जन कहारों की खोजबीन करने लगते हैं कि एकाएक दुल्हन की डोली जंगल की ओर अग्रसर होने लगती है, जैसे किसी कहार ने डोली के डंडों को अपने कंधों पर उठा लिया हो। डोली में बैठी दुल्हन की सिसकियां दूर तक सुनाई देती है। बाबूजी बचाओ बचाओ। हाँ बेटी। अरे दीनू हरिया, बचाओ मेरी बच्ची को, वो मेरी बेटी को। अरे वो मेरी बेटी की डोली को ले गया। अरे आज फिर इस गांव से एक दुल्हन की डोली और अगवा हो गई। आखिरकार कौन है ये लुटेरा जो हमारे नाक के नीचे से गांव की बहू बेटियों की डोलियां डावा डोल कर जाता है। ये पहली दफा न था जब किसी दुल्हन की डोली अचानक से गायब हो गई। ये कहानी है डुमराव गाँव की, जहाँ पर होने वाली शादियाँ दुल्हनों के लिए श्राप साबित होती हैं, क्योंकि दुल्हनों की डोलियों को कहार से पहले चुड़ैल सास बहू चुरा ले जाती है। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। सासू माँ देखो आखिरकार हम चुड़ैल सास बहू अपने चाल को चलकर डोली में बैठी दुल्हन को लोभियों के चंगुल से बचा ही लिया। हम दोनों चुड़ैल सास बहू चलायन करके दुल्हन की डोली को कब कैसे चुरा लेते हैं ये कोई नहीं जानता। दोनों चुड़ैल दुल्हन की डोली लिए जंगल में आती हैं। उनकी भयावह सूरत देखकर दामिनी दंग रह जाती है। अरे चंडाल चुड़ैलो, बरसों बरस बाद मेरा ब्याह हुआ, अग्नि के फेरों के साथ मुझ दुल्हन की डोली उठनी थी,
मैं किसी की बीवी और बहू बनकर संसार सजाने वाली थी, मगर तुमने विदाई की बेला पर मुझ दुल्हन की डोली लूट ली। हम चुड़ैल सास बहू दुल्हनों की डोली क्यों लूटते हैं? इसका पता तुम्हें हमारी पिछली जिंदगी की दुखद दास्तां सुनकर ही समझ आएगा। कुछ दशक पहले मंजरी और मंगला नाम की सास बहू डुमराव गांव में रहती थीं। भाभी माँ, मैं पूरे कॉलेज में अव्वल आई हूँ। मैं तो जानती थी मेरी ननद हमारी नाक नीची नहीं करेगी। अरे अरे बस भी करो ननद भाभी का भरत मिलाप। अपनी बिटिया अब तू सयानी हो चुकी है, समय हो चला है कि तेरी शादी कर दी जाए। माँ मेरी शादी की इतनी भी क्या होड़ है, उम्र थोड़ी भागी जा रही है। बाबूजी और भैया के जाने के बाद आप दोनों ने पहाड़ जैसा कठिन परिश्रम के साथ अपना पेट काट काट कर मुझे पढ़ाया। साल भर की पढ़ाई बाद मेरी सरकारी नौकरी हो जाएगी, तब तक इस शादी को टाल दीजिए। तेरी उम्र की सभी की बेटियों का ब्याह हो चुका, सरकारी नौकरी अपने सजन के आंगन जाकर करना। झटपट से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। कुछ ही देर में सरला और रघु उनके घर आते हैं। अवनी, मेहमानों का स्वागत सत्कार करो। जी माँ। सरला अवनी से कुछ सवालात करती है। बेटी हमें तो आपके कोई खोट नहीं है, तो फिर आगे की बात बढ़ाई जाए। बेशक, लगे हाथ दाम दहेज की भी बात हो जाए। बरातियों का बेहतर स्वागत सत्कार, एक चार चक्के की कार, 5-10 लाख दहेज और घर बार का सामान तो आप देंगे ही। मंगला सरला की शर्त स्वीकार कर लेती है। उनके जाते ही अवनी कहती है, माँ मैं उस घर की बहू नहीं बनना चाहती। उनके बोल बाले में ब्याह के बजाय ऐसा जान पड़ रहा था जैसे कोई मेरी बोली लगा रहा हो। अरे बेटी, दाम दहेज की बातें तो सदियों से चली आ रही हैं। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे तेरे बाबा की खेती बाड़ी किस दिन काम आएगी, उसे बेचकर दाम बटोर देंगे। मेरे ब्याह के गहने भी तो मेरे किसी काम के नहीं बचे, उन्हें भी बेच देंगे। समय के साथ शादी का समारोह दस्तक देता है। सारा घर आंगन फूलों और लड़ियों से सजा धजा होता है। ठहरिए समधन जी, पहले सरला दहेज और दाम के दर्शन करेगी, तभी पढ़े जाएंगे ये शादी के मंत्र। शर्त के मुताबिक दहेज और दाम दोनों आपके सामने हैं। कुछ ही देर में शादी संपन्न हो जाती है। दोनों सास बहू अवनी को डोली में बैठाते हैं। नए जीवन की सैकड़ों शुभकामनाएं दुल्हन। एक सप्ताह बाद। अभी हमारी शादी को सप्ताह भर भी ना हुआ। अरे ओ अवनी, मेरे लिए अपनी माँ से 5 लाख रुपए मांग। माँ और भाभी 5 लाख की रकम कहाँ से जुटा पाएंगी? अपने पति के लिए 5 लाख रुपए मांगना तुझे भारी पड़ रहा है? तो फिर तेरा पेट भरना भी मेरे लिए पहाड़ बन गया है, चल भाग यहाँ से। अवनी रोते बिलखते अपने घर लौटती है। अवनी, ये क्या हुलिया बना रखा है, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या बताऊं भाभी, शादी के पहले दिन से मेरी सास मेरे संग सताव कर रही है। कहती है कि तुझसे बेहतर दाम दहेज तो मुझे फलाना से मिल रहे थे, आज इन्होंने भी 5 लाख की मांग की और मैंने मना ही दिखाई तो मुझे घर से खदेड़ दिया। सास बहू अवनी को शांत करा के उसे सुला देती है, मगर सुबह जब वो अवनी के कमरे में आती है तो अवनी दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है। मेरी बेटी कुछ बोलती क्यों नहीं, बता ना बहू। माँ जी, अवनी इस दुखद दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अवनी के ऐसे चले जाने से दोनों सास बहू को गहरा आघात पहुंचता है, जिसके कारण वो दोनों सास बहू सोब के सागर में ऐसी डूबती हैं कि उनकी सांस पर सदा के लिए पाबंदी लग जाती है। और चुड़ैल बनकर हम दुल्हनों की डोलियां लूटकर उन्हें दहेज के लोभियों से बचाते फिर रहे हैं। दोनों सास बहू अपनी आप बीती बता ही रही होती हैं कि उनके कान में गीतों की गूंज सुनाई पड़ती है। लगता है बहू दूल्हे की बारात गुजर रही है, चलिए माँ जी। दोनों चुड़ैल उड़कर बारात के बीच शुमार होकर दुल्हन के दहलीज पर पहुँचती है, जहाँ बिरजू दूल्हे की माँ कमला और योगेश का स्वागत करता है। अरे पधारिए समधन जी, पधारिए। अरे ये स्वागत सत्कार का स्वांग रचाना बंद करें, दाम दहेज दिखाइए तभी फेरे पड़ेंगे। समधन जी, ये रहा दहेज का सामान और ये दाम। ये भी दहेज के लोभी हैं, हमें इस दुल्हन की डोली को भी बाकियों की नाई चुराना होगा, मगर उससे पहले हमें इन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। जैसे ही दुल्हा मंडप में बैठी दुल्हन के बगल में बैठता है, दोनों चुड़ैल अपनी फूंक से मंडप की अग्नि को बुझा देती है।
बात को मेरी बंद बुद्धि चुड़ैल बहू, हम दोनों ने अग्नि बुझाकर इस दुल्हन को इन दान दहेज के लोभियों की बहू बनने पर पाबंदी लगा दी। ये कैसा अपशगुन है, मंडप की अग्नि बुझ गई? अरे ओ पंडित, पोती पतरे को ही निहारते रहेंगे कि आग जलाएं? लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाली, इस क्रूर कमला को मंगला चुड़ैल मजा चखाएगी। एक और मंगला चुड़ैल कमला पर दहेज का सामान एकाएक बरसाती है और मंजरी चुड़ैल अपनी फूंक से हाहाकार मचा देती है। शादी का माहौल पूरी तरह भयावह हो जाता है, चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है, कहार भी डोली छोड़कर भाग जाते हैं। अरे बिरजू भाई, तुम्हारी बेटी को जरूर चुड़ैल के चंगुल ने घेरा है। मैं अपने बेटे का ब्याह करके इस बला के बहू नहीं बनाना चाहती, ये अपना दाम दहेज भी रखो। कमला अपने बेटे के साथ वहाँ से 9:00-11:00 हो जाती है। तभी चुड़ैल दुल्हन की डोली में सवार करके डोलियों की डांडियां उठाए उड़ने लगती है। बाबूजी बचाओ मुझे। अरे अरे देखो, अरे तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। चुड़ैल डोली और दुल्हन के साथ बिरजू को दिखाई देती है। अरे क्या मिला तुम दोनों को इस गरीब की बेटी का ब्याह रोक कर? किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमारी दुखद दास्तां सुन लो। दोनों सास बहू रोते बिलखते बिरजू को सारी आप बीती सुनाती है। इसी तरह सैकड़ों अरमानों की पत्ती बंधे हमारी अपनी दुल्हन बनकर डोली में गई तो? मगर मेरी बेटी की डोली अर्थी में बदल गई, इसलिए अपनी बेटी का ब्याह उससे करना जो दाम दहेज के लिए लोभी ना हो। तुम चुड़ैल सास बहू का शुक्रिया, अरे तुमने मेरी बेटियों को लोभियों के चंगुल से बचा लिया, वरना ये शादी मेरी बेटी के भावी भविष्य के लिए श्राप बन जाती। दोनों चुड़ैल वहाँ से ओझल हो जाती हैं। मगर जब कभी शादी में उन्हें दान दहेज के लोभी दिखाई देते तो वो दुल्हनों को डोली पर डेरा डालकर उन्हें ले जाया करती। स्वेटर बेचने वाली चुड़ैल माँ बेटी। इस बार ठंड अक्टूबर में ही आ गई थी, तभी से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और नवंबर खत्म होते ही सहारनपुर गांव में ओलावृष्टि की बारिश होने लग गई। वहीं सुप्रिया नाम की औरत अपनी बेटी 10 वर्षीय दिव्या और पति मुकेश के साथ रहती थी। उसका पति बेहद ही कामचोर, आलसी और नशेड़ी था। हर सुबह सुप्रिया उसे सुना सुना कर और उसकी आंख खोलने से पहले एक ही आवाज पर उसका नाश्ता सामने रख देती थी, सिर्फ इसलिए ताकि वह अच्छे से जाकर काम करे। लेकिन वह जो पैसे लाता उसे घर आते आते अपनी नशे की चीजों में उड़ा दिया करता था। ऐसे ही एक दिन मुकेश को उठाते हुए सुप्रिया कहती है, ये लीजिए नींबू पानी पी लीजिए, आपका सर का दर्द खत्म हो जाएगा। कल रात के नशे की वजह से आप झूम रहे हैं, लेकिन काम पर आपको जाना ही होगा। अरे क्या है तेरे को, सुबह सुबह मेरे कान पर डफली बजाने लग गई है, क्या काम पर जाऊं? सिर झूमते हुए मैं जाऊं क्या? नहीं जाना मुझे काम पर, जब देखो रोज सुबह मेरे सिर पर नाचने लगती है, काम पर जाओ काम पर जाओ। आप काम पर नहीं जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सर्दी आ गई है, मेरी बेटी एक हफ्ते से बिना स्वेटर के स्कूल सुबह सुबह जाती है और सुबह इतना कोहरा होता है, मुझे उसे स्वेटर देना है तो पैसे भी दे दीजिए। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। ऐसे कैसे कह सकते हैं, दिव्या को बुखार हो गया तो कल रात को आपको इतने पैसे नशे में उड़ाने की क्या जरूरत थी, ऊपर से दोस्तों को बांट दिया। देख तेरा सुबह सुबह लेक्चर चालू हो गया, ज्यादा मत बन। यह सुनकर सुप्रिया चली जाती है और दिव्या को स्कूल भेजकर घर का काम करने लगती है। फिर स्कूल से आकर दिव्या कहती है, माँ आज भी आपने मुझे बिना स्वेटर के भेज दिया, स्कूल वाली मैडम ने मुझे ठंड में बाहर खड़े होने की सजा दी क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ मेरे पास ही स्वेटर नहीं था, आप मुझे कब दिलाओगी, मुझे स्वेटर चाहिए माँ। ठीक है रुक जा, मैं तेरे पापा से आज पैसे लेकर रात में स्वेटर लेने जाऊंगी, ठीक है। शाम को मुकेश फिर से एक हाथ में शराब लिए और दूसरी बाजू में एक लड़की होती है जिसे वह घर में ले आता है। यह देखकर सुप्रिया और दिव्या हैरान हो जाते हैं। तभी सुप्रिया बोलती है, अरे इसे आप कैसे ले आए हैं और फिर से आपने शराब पी, पैसे कहाँ हैं आपके बाकी के? स्वीट हार्ट इन पर जो भी पैसा थे वो इन्होंने मेरा डांस करते करते मुझ पर लुटा दिया है और बाकी शराब में, संभालो अपने पति को, बाय। हाय दैया, फिर से मेरी लड़की के स्वेटर के पैसे खर्च कर दिए, आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं आया नहीं हूँ और तेरा फिर से स्वेटर का रोना धोना शुरू हो गया। सुबह उठो तो स्वेटर स्वेटर स्वेटर, शाम को जाऊं तो स्वेटर स्वेटर स्वेटर, आग लगाने का मन कर रहा है स्वेटर में। माँ
ये पापा कैसे बातें कर रहे हैं? चुप हो जा बेटा, डर मत, तेरे पापा ने हद ही कर दी है, कुछ समझते ही नहीं है। सारी परेशानी की जड़ ये शराब है, आज इनकी बोतल को तोड़ कर ही रहूंगी मैं। ये कहकर सुप्रिया बोतल उसके हाथ में से छीनने लगती है और मुकेश कहता है, अरे रे रे रे, ये क्या कर रही है, मेरी बोतल को छोड़, मैं नहीं दूंगा तुझे, पता भी है कितनी महंगी है? मैंने कहा छोड़िए, शराब नहीं कलेश कर रखी है हमारे घर में। मैंने कहा ना मेरी बोतल को छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगी इस बोतल को। यह कहकर सुप्रिया उसकी बोतल को तोड़ देती है और गुस्से में मुकेश अपनी बेटी और पत्नी को घर से बाहर निकाल कर कहता है, तूने मेरी जान, मेरी जिगर, मेरी शराब की बोतल को तोड़ डाला, कैसे रहूंगा उसके बिना मैं? तुम दोनों की ये सजा है कि पूरी रात भर इस ठंड में कांपती रहोगी, तभी अकल ठिकाने आएगी। ऐसा कहकर मुकेश घर के दरवाजे बंद कर लेता है, फिर लुढ़क जाता है। वहीं माँ बेटी दोनों बाहर ठंड में बहुत कांप रही थी, जिससे उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो, मेरे हाथ पैर जमते जा रहे हैं। तेरे पापा बड़े ही बेकार निकले, मैं तो बर्बाद हो गई ऐसे इंसान से शादी करके, जिसे अपने बच्चे और पत्नी की फिक्र ही नहीं है। बेटा ठंड मुझे भी लग रही है, लेकिन कहाँ जाऊँ इस समय? दोनों माँ बेटी ठंड से बहुत ठिठुरती हैं, फिर ओले और बारिश के एक साथ होने से दोनों ठंड को सहन नहीं कर पाती हैं और रात में ही अपना दम तोड़ देती हैं, जिसके पश्चात वह माँ बेटी चुड़ैल बनकर कहती हैं, बेटा हम ठंड में मर गए, लेकिन हमारे लिए स्वेटर नहीं आया, ना तेरे पिता ने तुझे स्कूल का स्वेटर दिया, हमारे जैसे और भी लोग होंगे जो इस समय फुटपाथ पर होंगे। हाँ माँ, वो हमारी तरह ठंड में ठिठुर रहे होंगे, हमें उनकी जान बचानी होगी, उनके लिए स्वेटर बनाना चाहिए। हाँ बेटा। ऐसे ही अगले दिन दोनों चुड़ैल माँ बेटी अपने जादू से बहुत से स्वेटर ले आती हैं और रूप बदल कर वह कुछ कपड़े गरीबों को देती हैं, कुछ फुटपाथ पर बैठे हुए तो कुछ छोटे छोटे ठेले लगाने वाले बच्चों और औरतें, बूढ़ों को भी वो स्वेटर देती हैं। फिर कहती हैं, बेटा ये स्वेटर तो अभी भी बचे हैं, क्यों ना हम इसे बाजार में जाकर बेचें? हाँ माँ, हमें यही करना चाहिए। तभी दोनों इंसानी रूप में वहाँ ढेर सारे स्वेटर बेचने लगती हैं, वो भी सस्ते दामों पर। आइए आइए, स्वेटर लीजिए, गर्म ऊन से बने हुए स्वेटर लीजिए, यहाँ स्कूल के स्वेटर भी मिलते हैं। आइए आइए, सस्ते स्वेटर लीजिए, बच्चों के, बूढ़ों के, बड़ों के। सुनिए, जरा मुझे ये बच्चे का स्वेटर दिखाना, 5 साल के बच्चे के आ जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, परफेक्ट आएगा, लीजिए। आपने सही कहा, और आपके साथ और भी बहुत सस्ते हैं, एक मेरे लिए कार्डिगन का स्वेटर निकाल दीजिए। आंटी ये लो, ये नया है स्वेटर मार्केट में, अभी अभी आए हैं कार्डिगन में। हाय रब्बा, ये तो बहुत सोना स्वेटर है, मुझे पैक कर दीजिए दोनों स्वेटर, ये लीजिए पैसे। आंटी जी मुझे स्कूल का स्वेटर दिखा दीजिए, संतरे रंग वाला, मॉडर्न पब्लिक स्कूल का। ये देखो, यही वाला स्वेटर है ना बेटा तुम्हारे स्कूल का? जो खुशी मेरे बच्चे को नहीं मिली, कम से कम वह दूसरे के बच्चों को तो मिले। ये मेरे बिल्कुल सही आ रहा है, कितने का है? तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, ले जाओ। शुक्रिया आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे आंटी, लड़कों का स्वेटर मिलेगा क्या, ये जैकेट वाला? हाँ हाँ बेटा, दिव्या बेटा जैकेट वाली स्वेटर लेकर आओ। ये लो माँ। अरे आंटी ये स्वेटर तो बहुत अच्छा है, जैकेट वाला ऐसा एक और साइज का दे दीजिए, मुझे मेरे भाई के लिए चाहिए। ये लो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हें चाहिए। कितने पैसे हुए आंटी? 500 की 2 जैकेट हैं बेटा, ये लीजिए। इस तरह सभी लोग चुड़ैल माँ बेटे की स्वेटर खरीदने आते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो चुड़ैल है। तो सुप्रिया कहती है, अरे वाह बेटा, आज के दिन ये हमारी बहुत सारी कमाई हो गई, कितने सारे लोगों को स्वेटर चाहिए था। हाँ माँ, सब हमारी तरह बदकिस्मत और गरीब थोड़ी होते हैं, लोगों पर पैसा है तो अपनी जान बचाने के लिए स्वेटर तो खरीदेंगे ही। हाँ बेटा, सब आदमी तेरे पापा जैसे थोड़े ही होते हैं, बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, चल गरीब लोगों को दान करके आते हैं। तभी दोनों चुड़ैल माँ बेटी उन पैसों से होटल से खाना लेकर गरीब भिखारी बेसहारा गली के साइड बैठे हुए मंदिर के बाहर बैठे हुए, साथ ही उन्हें एक एक 500 का नोट भी देते हैं। तभी एक बुढ़िया हाथ फैला कर कहती है, अरे बेटा मुझे 2 डब्बे दे दे खाने के, मुझे बहुत भूख लगी है, 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, बस कूड़े में से बचा कुचा खाना और टोटी का पानी पी कर जिंदा हूँ। अरे अरे माँ जी, आप परेशान मत होइए, आप बहुत सारा खाना खा लीजिए, जितना आपको चाहिए उतना खाइए। दिव्या बेटा जरा स्वेटर लेकर आना। ये लो माँ। तभी उस बुढ़िया को स्वेटर देकर वो आगे बढ़ती है और जैसे ही खाना देती है तो वह भिखारी बुढ़ा सुप्रिया का हाथ पकड़ कर आंखें बंद कर लेता है और कहता है,
तुम दोनों माँ बेटी मर चुकी हो ना, तो चुड़ैल बनकर हमारी मदद क्यों कर रही हो? बोलो क्या कह रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं पंडित हूँ, मुझे सब पता चल जाता है। बताओ सब। ये सुनकर सुप्रिया भिखारी पंडित को अपनी बेटी और अपने पर गुजरी हुई सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो कहता है, बेटी तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो दोनों। शुक्रिया पंडित जी, आज्ञा दीजिए। इस तरह चुड़ैल माँ बेटी स्वेटर बेचती भी थी और गरीब लोगों की मदद भी करती थी। वहीं दूसरी ओर शराब पीकर मुकेश भी मर जाता है और माँ बेटी को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। रात के समय स्विमिंग पूल में काव्यांश और रोहित दोनों भाई स्विमिंग कर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने 5 जले हुए चेहरे वाली चुड़ैल आ जाती है और उनमें से श्रेया नाम की चुड़ैल बोलती है, बहुत नालिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी आंखों के सामने 5 भयंकर चुड़ैलों को देखकर काव्यांश और रोहित के होश उड़ जाते हैं और दोनों डर से थर थर कांपने लगते हैं। तभी तान्या बोलती है, जरा देखो तो इन्हें, इतने ठंडे पानी में भी इनके माथे से पसीना टपक रहा है। अभी तो सिर्फ पसीना टपक रहा है, लेकिन थोड़ी देर में इनकी आंखों से खून भी टपकेगा जब हम इनका टेटवा दबाकर इन्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उन चुड़ैलों की बातें सुनकर दोनों और भी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत करके वहां से भागने लगते हैं। उसी वक्त छाया और नैना पानी के नीचे से उनका पैर पकड़ लेती हैं। तभी काव्यांश बोलता है, अरे छोड़ दो, हमें इतनी जल्दी नहीं मरना चाहते, अरे जाने दो हमें यहाँ से। तुम्हें हमें मार कर क्या मिलेगा, लेकिन अगर तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया तो हम तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो तुम्हें चाहिए होगा, बस तुम हमें मत मारो। क्या बोला तू? तू हमें देगा भिखारी की औलाद, हमें तो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी चाहिए और तुम्हें मार कर हम वो खुद ले लेंगे। इतना बोलते ही श्रेया अपनी शक्ति से पूरे स्विमिंग पूल के पानी को बर्फ में बदल देती है और उसी में जमकर काव्यांश और रोहित की मौत हो जाती है। उन्हें मारकर श्रेया बोलती है, चलो बहनों, सवेरा होने वाला है, हमें घर चलना चाहिए। जिसके बाद 5 चुड़ैल सुंदर लड़की का वेश बदल कर घर जाती हैं। तभी उन्हें बाहर से आता देख उनका देवर उत्कर्ष बोलता है, आप 5 भाभियाँ इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हैं? उत्कर्ष, हम बाहर गार्डन में टहलने के लिए चली गई थी। वो सुबह सुबह हरी घास पर चलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है ना, इसीलिए। तो फिर ठीक है भाभी, कल से आपका ये लाडला देवर भी आप लोगों के साथ टहलने जाएगा। वैसे काव्यांश और रोहित भैया भी आप लोगों के साथ गए थे क्या? नहीं, उनकी आज सुबह की मीटिंग थी, इसीलिए वो दोनों आज जल्दी निकल गए। चलो अब तुम भी कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ और हमें अपना काम करने दो। 5 भाभियों का हुक्म सर आंखों पर। बिल्कुल शैतान हो तुम। जिसके बाद सभी अपने कामों में लग जाते हैं। दिन ढलता है और रात हो जाती है। रात के समय टेरेस पर प्रशांत और हेमंत दोनों जाम पर जाम लगा रहे थे कि तभी वहां पर 5 चुड़ैल आ जाती है और टेरेस से धक्का देकर उन्हें नीचे गिराकर मार देती है और फिर इंसानी रूप में आ जाती है। तभी श्रेया बोलती है, अब हम अपनी मंजिल के और भी ज्यादा करीब आ गए हैं, जल्द ही हमारा ये इंतकाम पूरा हो जाएगा। वहीं दूर खड़ा उत्कर्ष जो ये सब देख रहा था उनके पास आकर बोलता है, तुम 5 भाभियाँ नहीं, अरे हत्यारन हो, खूनी हो, तुम सभी ने मेरे मासूम भाइयों को मार डाला। देखो उत्कर्ष, जो तुम समझ रहे हो वो सच नहीं है, सच्चाई कुछ और है। तुम सभी ने मेरे आंखों के सामने मेरे भाइयों को मार डाला और फिर भी बोल रही हो कि ये सच नहीं है, तो फिर सच और क्या है? तुम जानना चाहते हो तो सुनो। आरके इंडस्ट्री शहर का जाना माना नाम था और उसके मालिक डीके वर्मा अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपने काम को देश भर में फैला रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एमएस इंडस्ट्री की कोई अपनी पहचान नहीं थी, जिस वजह से एमएस इंडस्ट्री के मालिक मयंक सक्सेना डीके वर्मा से जलते थे। ऐसे ही एक दिन जब डीके वर्मा अपने केबिन में बैठे होते हैं तभी उनका भाई संजीव वर्मा उनसे बोलता है, भैया ऑफिस का सारा काम हो गया है, बस मयंक सक्सेना से मिलना रह गया है और इस वक्त वो आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? हाँ भेज दो। ठीक है भैया। जिसके बाद संजीव मयंक सक्सेना को अंदर केबिन में भेज देता है। अंदर आकर मयंक सक्सेना डीके वर्मा से हाथ मिलाकर बोलता है,
हेलो वर्मा साहब, कैसे हैं आप? आज मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। हेलो हेलो, मैं ठीक हूँ, आइए आइए बैठ कर बात करते हैं। जिसके बाद दोनों बैठ जाते हैं और डी के वर्मा बोलता है, तो आप बताइए आप किस सिलसिले में बात करने आए हैं यहाँ? वर्मा साहब, मैं आपके पास अपने बड़े बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मयंक सक्सेना की बात सुनकर डी के वर्मा गुस्से में आकर बोलते हैं, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं एक इल्लीगल बिजनेसमैन के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक रखूंगा? आज मेरी बेटी का बर्थडे है, इसलिए मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। अब चुपचाप से उठो और यहाँ से चलते बरो, नहीं तो मैं तुम्हें धक्का देकर यहाँ से निकलवाऊंगा। तुमने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। इतना बोलकर मयंक सक्सेना वहां से चला जाता है, जिसके बाद डी के वर्मा और संजीव भी ऑफिस से निकलकर कार में बैठकर घर जाते हैं। बर्थडे के जश्न की खुशी में पूरा घर सजा हुआ था, घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। उन दोनों को देखकर डीके की बेटी श्रेया और तान्या बोलती हैं, पापा और चाचू, अच्छा हुआ जो आप दोनों टाइम पर आ गए, नहीं तो माँ नाराज हो जाती। आप हमारा गिफ्ट तो लाना नहीं भूले ना? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये बात बताओ मेरी तीनों बेटियां कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रही? हम यहाँ हैं पापा, हम अपनी ट्विंस दीदी के लिए स्पेशल गिफ्ट बना रहे हैं। ताया जी और पापा जी, अब आप दोनों टाइम बर्बाद मत करिए और जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हम केक काटेंगे। ठीक है, बस हम दो मिनट में आते हैं। जिसके बाद दोनों फ्रेश होने जाते हैं और फ्रेश होकर नीचे आते हैं। श्रेया और तान्या एक साथ केक काटते हैं और फिर पूरा परिवार एक साथ खुशियां मनाता है। तभी डीके के फोन पर एक कॉल आता है और डीके फोन उठाकर बोलता है, हेलो कौन? मैं मयंक सक्सेना का बेटा समर्थ बोल रहा हूँ। तुमने मेरे पापा की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया, अब उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे घर में मेरे भाइयों ने बम रखा है और उसका रिमोट मेरे हाथ में है, जो मैं बटन दबाने जा रहा हूँ। इतना बोलकर समर्थ सक्सेना अपने भाइयों और पिता के साथ फोन पर हंसने लगता है। तभी डी के बोलता है, हेलो हेलो समर्थ सक्सेना, अरे तुम ऐसा नहीं करोगे। लेकिन समर्थ सक्सेना फोन काट कर बटन को दबा देता है। बटन के दबते ही एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसमें डीके का पूरा परिवार जलकर मर जाता है और एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है। ये है तुम्हारे पिता और भाई की खाली सच्चाई। अब तुम ही बताओ, क्या जो हम कर रहे हैं वो गलत है? कब से हम इंतकाम की आग में जल रहे हैं? अब जब तक हम मयंक सक्सेना को मार नहीं देते, हम पांचों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं, आप लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया और उस गुनहगार को सजा दिलवाने में मैं भी आपकी मदद करूंगा। इतना बोलकर उत्कर्ष अपने पिता को कॉल करके बोलता है, हेलो पापा, आप जल्दी से इंडिया वापस आ जाइए, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तुम घबराओ मत बेटा, मैं आज ही आता हूँ। जिसके बाद मयंक सक्सेना जल्दी से फ्लाइट पकड़कर इंडिया आता है। घर आते ही उत्कर्ष के कमरे में जाकर बोलता है, कहाँ हो बेटा तुम? देखो तुम्हारे पापा आ गए। मैं यहाँ हूँ पापा, पर जो आपने किया वो अच्छा नहीं किया, अब आपको उनसे कोई नहीं बचा सकता। ये तुम क्या बोल रहे हो? याद करिए पापा, डी के वर्मा, जिसके पूरे परिवार को आपने बम से उड़ाकर मार डाला था, उसी की पांचों बेटियां मरकर चुड़ैल बन गईं और वही हमारे घर की बहू है। उसने पांचों भाइयों को मार डाला और अब आपका नंबर है। तभी कमरे में पांच बहुएं आ जाती हैं और देखते ही देखते चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। ये सब देखकर मयंक सक्सेना बहुत ज्यादा डर जाता है और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है, लेकिन चुड़ैलें उसे माफ नहीं करती और उसे मार देती हैं। उसकी मौत के साथ ही उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।